जैगुआर XJL जून मंथ रजिस्टर्ड यूके रजिस्टर्ड ओनर सिंगल ड्रिवन है कार 23,000 किलोमीटर विद प्रॉपर सर्विस रिकॉर्ड सिंगल ओनर यूके रजिस्टर्ड इंश्योरेंस हैज बीन एक्सपायर्ड टायर्स किस कंडीशन में है वो मैं आपको एक एक टायर दिखाऊंगा विद डिस्क और विद सस्पेंशन इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा एक बार आपको इसका 360 डिग्री व्यू मैं आपको गाड़ी का दिखाऊंगा उसके बाद मैं आपको गाड़ी की एक एक चीज बारीकी से दिखाऊंगा तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैंने डिटेल्स बता दी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो को स्किप करके चले जाएं प्लीज वीडियो को पूरा देखना अपना एंड तक वीडियो को देखना प्लीज ये वाली सीट्स भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंडीशन में है पोर्टफोलियो वेरिएंट है पीछे हमें रिक्लाइनर सीट्स मिलते हैं और हमें यहाँ पे रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलता है पीछे वाली सीट भी हम एडजस्ट कर सकते हैं और हमें यहाँ पे एक टेबल भी मिलती है अपना आराम से हम सामान रख सकते हैं इस पर काम कर सकते हैं यहाँ पे एस्ट्रे और सिगरेट लाइटर और हमें यहाँ पे मेमोरी सीट्स मिलती है पीछे भी जैगुआर की स्कफ प्लेट्स आप देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में है सीट्स की क्वालिटी देखिए आप एक बार सीट्स की क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में कोई ऐसी बनवाई हुई सीट्स नहीं है सीट बेल्ट्स की भी आप क्वालिटी देखिए कितनी साफ सुथरी है और उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो हम एक एक फीचर कवर करने की कोशिश करेंगे मेरिडियन का सराउंड सिस्टम है गाड़ी के अंदर सॉफ्ट टच है चारों मैं देख चुका हूँ वर्किंग कंडीशन में है गाड़ी के ऊपर एक ये छोटा सा डेंट अभी तक मुझे देखने के लिए मिला है वो तो मैं कवर करूंगा अपना जब मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में आपकी इसके एक एक पार्ट्स इसका अच्छे से दिखाऊंगा गाड़ी का 360 डिग्री व्यू आपको दिखा देता हूं ये वाला जो मॉडल आप देख रहे हैं ये आया था 2014 से लेके 2016 तक 3000 सीसी का V6 ट्विन टर्बो डीजल इंजन आता है इसके अंदर जो जनरेट करता है 271 bhp एट द रेट ऑफ 4000 आरपीएम 12.9 की एयर एंड इसकी एवरेज सर्टिफाई करी है 8 गेट्रॉनिक कार है रियर व्हील ड्राइव है और गाड़ी चली है सिर्फ 23,000 किलोमीटर तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं एक चीज इसकी कवर करते हैं इसमें जो फ्लॉज हैं वो भी बताऊंगा जो खूबियां हैं वो तो मैंने आपको बताई दी है मोटा मोटा सामने वाली ये जो ग्रिल है ये न्यू शेप ग्रिल है बेसिकली ये 2014 मॉडल ऑनवर्ड्स आई थी और यहाँ पे ये जो लोगो है ये पोर्टफोलियो वेरियंट में आया था ये एज ए एक्स्ट्रा फिटमेंट भी आ रहा था कंपनी में मतलब कस्टमाइज में लेकिन ये थोड़ा सा हिल रहा है बेचारा तो इसको आप फिक्स करवा सकते हैं या ये मैं आपको नया लगवा के दे सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जरूर हिल रहा है हमारा उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे हेडलाइट्स वॉशर्स जो हैं वो इंटैक्ट हैं तो यहाँ फ्रंट में हमें DRLs मिलेंगे और यहाँ पे हमें ज़िनॉन हेडलैम्प्स मिलेंगी यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश मिलेगा और ये जो जाली है ये भी इंटैक्ट है इसके जो हमारे वाइपर्स हैं वो भी हमारे इंटैक्ट हैं बम्पर पूरा इंटैक्ट है और बेसिकली ये एक इन्वेस्टेड कार है इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट कस्टमर कार इट्स अ इन्वेस्टेड कार बट इन्वेस्टेड कार्स भी होती हैं सर मार्केट में 90% तो इन्वेस्टेड कार्स ही होती हैं और मैं कस्टमर कार्स की भी वीडियोस लेकर आता हूँ इन्वेस्टेड कार्स की भी लेकर आता हूँ आपको कौन सी खरीदनी है वो आपको डिसाइड करना है गाड़ी जो आपको चाहिए वो ज़रूरी नहीं कि कस्टमर कार की भी मैं वही वीडियो लेकर आ जाऊँ खैर एनीवेज ये इन्वेस्टेड कार है तो ये मतलब आपको कोई ऐसे स्क्रैचेस वगैरह इसके ऊपर देखने के लिए नहीं मिलेंगे साफ सुथरी गाड़ी है बोनट इसका बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरा है और गाड़ी के मैंने चारों दरवाजे खोल के देखे हैं बोनट खोल के देखा है बूट खोल के देखा है तो मुझे कहीं पे एक्सीडेंटल या कोई काम हुई भी चीज़ नहीं नजर आई है वो मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से दिखाऊंगा फिर ये वाला जो हमारा फेंडर है ये हमारा बिल्कुल साफ साफ बच रहा है और इसमें एक फिन आ रहा है एयर इंटेक फिन होता है बेसिकली ये जो इंजन को कूल करता है जैगुआर की बैजिंग के साथ में टायर्स आप देखेंगे तो टायर्स अच्छी कंडीशन में है गाड़ी के ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं और टायर्स की कंडीशन भी अच्छी लग रही है और जो इसमें डिस्क भी देख रहे हैं आप कितना बड़ा डिस्क आएगा इसके अंदर वो भी हमारा बिल्कुल कोई इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं है सस्पेंशन भी देखने के बाद में कोई लीकेज नहीं लग रही है और इसके अंदर जो हमें टायर साइज मिलेगा फ्रेंड्स वो है इसके अंदर 245/45 R19 इंचेस के अलॉयज के साथ है ये सेडान ठीक है फिर ये वाला आप दूसरा डोर देखेंगे ये भी हमारा बिल्कुल इंटैक्ट आ रहा है बिल्कुल साफ है ये वाला भी हमारा साफ सुथरा डोर है और यहाँ पे हम खोल के आपको एक बार दिखा दें कि गाड़ी के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ है दरवाजों के ऊपर ये एक एक डोर मैं आपको दिखाना चाहूंगा किसी तरीके का कोई काम नहीं हुआ है ये स्कफलेट्स आपको देख के लगेगा कि गाड़ी जेन्युइनली 23,000 किलोमीटर चलिए 23,000 किलोमीटर सीट्स की क्वालिटी देख के आपको लगेगा और जो अंदर फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल नई गाड़ी वाली फ्रेग्रेंस है उसके बाद आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो इन्हें देखकर भी लगेगा कि गाड़ी वाकई 23,000 किलोमीटर ड्रिवन है यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश मिल रहा है जो बिल्कुल इंटैक्ट है हमारा लॉक अनलॉक के बटन मेमोरी सीट्स और पावर विंडोज के स्विच सिंगल टच के साथ पावर विंडो हमारा जा रहा है नीचे और सिंगल टच के साथ ऊपर आ रहा है तो सॉफ्ट टच जो है वो हमारे बिल्कुल फंक्शनल है चारों सॉफ्ट टच जो है वो फंक्शनल कंडीशन में है यहाँ पे फिर हम आ जाते हैं ये वाला डोर भी आपको दिखा देते हैं अंदर से ये डोर भी हमारा बिल्कुल इंटैक्ट है किसी किस्म का कोई काम देखने के लिए नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रिक कर्टेंस हमें इसके अंदर मिल रहे हैं जो कि स्मूथली हमारे नीचे जा रहे हैं और अंदर कवर हो रहे हैं
और स्मूथली बाहर आ रहे हैं। यहाँ की भी आप स्टिचिंग और लेदर क्वालिटी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कार जेन्युइनली 23,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। पीछे की सीट्स हमारी इंटैक्ट हैं बिल्कुल। एक बार मैं इस पे पीछे बैठ के आपको ये बता दूं, ये रिक्लाइनर्स वर्किंग है या नहीं इसके, तो रिक्लाइनर्स जो है इसके बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। रिक्लाइनर्स देख सकते हैं आप, पूरे वर्किंग कंडीशन में है। आगे भी आ रही है सीट, पीछे भी जा रही है सीट। यहाँ से मैं फ्रंट सीट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ, ये देखिए मैं फ्रंट सीट को आगे भेज सकता हूँ यहाँ पे बैठ के। ऊपर जो कारपेट है, क्वालिटी ऑफ कारपेट वो बहुत मतलब साफ सुथरा है, जैसे नई गाड़ी का होता है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा जैसे नई गाड़ी का होता है, आफ्टर ऑल 2015 मॉडल है, लेकिन काफी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। और ये देखिए स्मूथली जा रहे हैं, और इनकी भी स्टिचिंग जो है वो बिल्कुल साफ है। यहाँ पे हमें रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो हम ऑन करेंगे तो आई एम श्योर ऑन हो जाएगा। जो ये है टेबल है, आप इस टेबल की भी आप मतलब क्वालिटी देखिए, मतलब फिनिशिंग देखिए कि मतलब लग नहीं रहा है कि गाड़ी कहीं से कहीं तक रफ यूज है, स्प्रैंकली यूज है। इसके ये जो है, इसके जो लीवर्स हैं ये भी बिल्कुल साफ पड़े हुए हैं। पीछे हमें ड्यूल जोन, पीछे भी हमें ड्यूल जोन एसी मिलता है, आगे भी ड्यूल जोन एसी मिलता है, तो 4 जोन एसी कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे एसी फिन्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे हमें कप होल्डर मिल जाएगा जो ये बटन प्रेस करके ओपन हो जाएगा, यहाँ सामान रख सकते हैं आप। यहाँ पे एक और हमें स्पेस मिलेगी जिसके अंदर कुछ ऑक्स की कनेक्टिविटी भी दे रखी है। और यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से हमें जो है मसाज भी मिल रहा है गाड़ी में। मसाज फीचर भी इसका एक्टिवेटेड है, बिल्कुल बराबर काम कर रहा है। तो रिक्लाइनर है, मसाज है, पीछे की सीट एडजस्ट कर सकते हैं हम। फिर ये वाला टायर आ जाता है हमारा, और ये वाला भी ब्रिजस्टोन का टायर है। इस टायर की भी कंडीशन बहुत अच्छी है क्योंकि कार लेस ड्रिवन है और राउटर्स पे किसी किस्म के कोई स्क्रैचेस भी नहीं है। ऊपर सस्पेंशन भी साफ दिख रहा है। तो व्हाइट कलर की जैगुआर बेसिकली फ्लीट्स में भी बहुत डिमांड में रहती है, कॉर्पोरेट्स में बहुत डिमांड में रहती है, शादियों डोलियों में बहुत डिमांड में रहती है। तो ये गाड़ी ज्यादा दिन नहीं रुकेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो, ये गाड़ी पसंद आ रही है तो इसको आप पहले बुकिंग करके आप इसको होल्ड कर दें, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो, उसके बाद आप आए गाड़ी देखें। अगर आपको पसंद नहीं आती फॉर व्हाटएवर रीजंस तो मैं आपकी पूरी बुकिंग अमाउंट आपको रिफंड कर दूंगा, लेकिन आने से पहले बुक कर कर आए गाड़ी, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। और मोटो फाइंडर के अकाउंट में आप अगर पैसे डालें तो मोटो फाइंडर आपको पूरे पैसे रिफंड कर देगा, वो पैसे नहीं रखेंगे आपके अगर आप गाड़ी नहीं लेते तो। इलेक्ट्रिक टेलगेट हमें इसके अंदर मिलता है, और जो इसकी बूट है वो भी काफ़ी स्प्रैंकली यूज हमें दिख रही है। और ये हमें यहाँ पे जो इसका स्पेयर व्हील है, शायद ही एक आध बार यूज़ हुआ हो, हार्डली एक बार यूज़ हुआ होगा देखकर लग रहा है। पीछे बैटरी वगैरह और पीछे जो हमारा वो है डिग्गी है वो बिल्कुल इंटैक्ट लग रही है, ऐसा कहीं से नहीं लग रहा कि डाला बना हुआ या कुछ। ये देखिए जो कंपनी के जो फिटिंग्स आती हैं बोल्ट्स, वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक ये बटन हमारा फंक्शनल है बिल्कुल। आज के बाद हम इसके फोर्थ टायर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें हल्का सा टायर पे कट देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे हमें हल्का सा स्क्रैच देखने के लिए मिल रहा है। राउटर्स इसके साफ हैं, सस्पेंशन में कोई लीकेज नहीं है। उसके बाद हमारा ये वाला डोर और ये वाली साइड हमारी बिल्कुल इंटैक्ट है। एक लंबी चौड़ी गाड़ी सेडान अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं, डीजल इंजन एक अच्छी एवरेज के साथ में, लेस ड्रिवन तो बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। उसके बाद फिर हमारा ये वाला टायर आ जाते हैं, देखते हैं एक बार ये कैसी कंडीशन में है। तो ये भी हमारा ठीक कंडीशन में है, आराम से निकाल देगा आपका 15-20,000 किलोमीटर आराम से निकल जाएंगे। यहाँ पे हल्के हल्के से स्क्रैचेस हमें जरूर देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी एक बार मैं आपको गाड़ी का सेल्फ मार्केट दिखाऊंगा और इंजन की साउंड सुनाऊंगा, और उसके बाद एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लूंगा। कस्टमर ने चाबी भी बहुत इज्जत से रखी है इसकी, आपको एक बार चाबी दिखाता हूँ, क्योंकि जैगुआर XJL की चाबी भी इतनी इज्जत से रखी है उन्होंने। अब एक बार इसका मैं आपको सेल्फ मार्केट दिखाता हूँ। इसका हुड ओपन करके लग रहा है कि गाड़ी में बाहर से कोई काम नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले तो मेरी नज़र यहाँ पे पड़ती है, अगर एक्सीडेंटल होगी तो यहाँ पे सबसे पहले काम हुआ हुआ होगा। इसकी बिडिंग विडिंग जैसी कंपनी से आती है बिल्कुल वैसी इंटैक्ट है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसके जो ये वाले बोल्ट हैं ये सारे इंटैक्ट हैं, यहाँ के सारे हमारे बोल्ट हमारे इंटैक्ट आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे गाड़ी इंटैक्ट है, तो कोई मेजर हिट तो है नहीं। सामने से भी मैंने आपको दिखा दी, पीछे से भी आपको दिखा दी, चारों दरवाजे भी मैंने देख लिए और आपको भी दिखा दी वीडियो में, कि कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है गाड़ी के ऊपर, कोई काम नहीं हुआ है गाड़ी के ऊपर। रीपेंटेड कुछ पीसेस मिले हैं मुझे, बट देखिए रीपेंट तो होगी सर, गाड़ी चाहे 22,000 चले या 1,22,000 चले, गाड़ी निकलती है तो लोग स्क्रैचेस वगैरह मारते हुए ही चलते हैं, तो वो एक चीज़ है। लेकिन गाड़ी मेजरली एक्सीडेंटल नहीं है और काम भी इसका पूरा कंपनी में हुआ है विद कंपनी रिकॉर्ड्स। एक भाई सेल्फ मार के आपको इसके इंजन की साउंड सुनाता हूँ और फिर टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। चलते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे। टेस्ट ड्राइव पे चलने से पहले इसके कुछ हम इलेक्ट्रिकल फीचर्स चेक कर लेते हैं। लॉक अनलॉक हमारा बटन वर्किंग कंडीशन में है। फोन इसके अंदर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है ऑफकोर्स, और सीडी चेंजर मिलता है, AM/FM मिलता है। नेविगेशन हमें इसके अंदर मिलता है क्योंकि पोर्टफोलियो वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन ऑन ऑफ का बटन हमारा प्रॉपरली
फंक्शनल है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। एवी और टीवी मोड में यहाँ से पीछे से अगर आप करना चाहते हैं, इसको वॉच करना चाहते हैं वीडियो, तो उससे रिलेटेड है। यहाँ पे आके हमें सीट्स के मसाज और कूल और हीट का फीचर हमें मिल जाता है। हम यहाँ से अपनी सीट्स कूल और हीट भी कर सकते हैं और यहाँ से मसाज भी कर सकते हैं, और मसाज वाला फंक्शन भी हमारा प्रॉपरली फंक्शनल है। मसाज ऑन हो गया है मेरे ड्राइवर सीट का। हाफ सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, गियर लीवर में कोई जर्क नहीं है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हमें यहाँ पर मिलते हैं। जीपीएस है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है दोनों। एसी देख लेते हैं प्रॉपरली फंक्शनल है या नहीं। आर्मरेस्ट देखिए कितना प्यारा है, यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया है सिल्वर क्रोम के साथ में। और यहाँ पे हमें सिगरेट एस्ट्रे और लाइटर मिलता है और एक पावर पॉइंट कनेक्ट मिलता है। तो डी मोड में डाल दिया, किसी तरह का कोई जर्क नहीं महसूस हुआ है डी मोड में आने के बाद में। अब मैं गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव लेता हूँ, उससे पहले इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल चेक कर लेता हूँ वो प्रॉपरली फंक्शनल है या नहीं है। ये हम इसको ऑन कर देते हैं, यहाँ से हम इसकी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वॉल्यूम वाले बटन चल रहे हैं, फोन्स के भी हम श्योर चल रहे होंगे। और यहाँ से हम इसको क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं गाड़ी में, पैडल शिफ्ट में भी हम गाड़ी को चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक मोड में भी ऑफकोर्स 8 गियर ट्रॉनिक गाड़ी है उसको चला सकते हैं। 271 bhp की पावरफुल गाड़ी है। अब गाड़ी का रियल टेस्ट लेते हैं। अभी तक मैंने आपको फीचर्स और एस्थेटिक लुक्स के बारे में और गाड़ी की डिटेल्स बताई, अब गाड़ी का जो एक्चुअल रोड टेस्ट है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और जब मैं यहाँ रोड से बाहर निकलता हूँ, अपने पार्क से बाहर निकलता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक चीज बहुत पता चल जाती है, वो है सस्पेंशन। यहाँ पे निकलते ही मुझे सस्पेंशन के बारे में पता चल जाता है कि सस्पेंशन किस कंडीशन में है, सस्पेंशन आर ओके, क्योंकि गाड़ी चली कितनी है, इंजन माउंटिंग ओके है, हमारी ट्रांसमिशन माउंटिंग ओके है, कोई जर्क महसूस नहीं हुआ है, स्टेयरिंग वेल बिहेव्ड है, यहाँ पे पूरा बॉडी फिनिश मिल रहा है। तो पोर्टफोलियो वेरिएंट अगर आप लोगे ना, तो सर इसमें इतनी चीजें आपको प्रीमियमनेस की मिलेंगी जो कि XGL नॉर्मल अगर आप लोगे उससे काफी ऊपर मिलेगी। पीछे की जो सीट्स है और जो रिक्लाइनर मसाजर और एयर कूल और हीट सीट्स पैनोरामिक सनरूफ, ये सारी चीजें आपको पोर्टफोलियो, रेयर एंटरटेनमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें आपको पोर्टफोलियो वेरिएंट में मिल रही हैं। और गाड़ी का प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, 36.5 लाख रुपीज में। मतलब इतनी अच्छी इतनी साफ गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि XGL आप चाहो तो आपको सस्ती भी मिल जाएगी। सर XGL मैंने शायद इससे सस्ती भी बेची होंगी, लेकिन फिर उसमें वो बात नहीं है जो इनमें जो इसमें बात है। जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो पूरा मजा आना चाहिए। वो कम पैसों की थी तो उसमें कम बात थी, ये ज्यादा पैसों की है तो इसमें ज्यादा बात है, लेकिन इतने पैसों की भी नहीं है जितनी बात है इसमें। मतलब इट्स अ वेरी 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 रीजनेबल प्राइस फॉर सच लेस ड्रिवन इमैक्युलेट कंडीशन कार ऑनेस्टली। और अगर आपकी भी कोई जगवर XGL है या एस क्लास है, सर आपको राइट प्राइस नहीं मिल रहा है आपको अपनी गाड़ी का, और आपको लग रहा है कि आप हमारे चैनल पे बेचना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तो लोग मतलब अपनी गाड़ियां हमारे पास ही भेज देते हैं, क्योंकि उससे हमारी नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा हो जाती हैं। आप भी अपनी गाड़ी हमारे पास भेज दें, मैं आपको लोकेशन शेयर कर दूंगा। एंड कमिंग बैक टू द कार, मतलब गाड़ी का सस्पेंशन ओके है और स्टेयरिंग वगैरह ओके है, एसी कूलिंग इफेक्ट अच्छा है। अब तो समर्स आ ही गई है ऑलमोस्ट, तो एसी तो मैं चला के जरूर देखता हूँ। और क्लॉक हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है, सनरूफ नहीं चेक करी, सनरूफ चेक कर लेते हैं, सनरूफ भी चेक कर लेते हैं सिंगल टच के साथ। ये होल्ड करके रखना पड़ता है, नॉट विद द सिंगल टच। और सनरूफ हमारी प्रॉपरली फंक्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सनरूफ में, कर्टेंस वगैरह भी उसके प्रॉपरली फंक्शनल है। सीट्स 8-way एडजस्टेबल, सब कुछ मैं चेक कर चुका हूँ, मसाजर वगैरह चेक कर चुका हूँ, सीट्स का हूल है, हॉट एंड कूल फीचर मैं चेक कर चुका हूँ। यहाँ पे हमें ट्विटर्स मिलते हैं दोनों साइड के रिट्रैक्टेबल मिरर्स में। एक बार म्यूजिक सिस्टम तो हमने सुना ही नहीं, इसके अंदर मेरिडियन का सिस्टम है, वो एक बार चेक करना तो बनता है कि प्रॉपरली प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा, वो एक बार हम देख लेते हैं। और उसके अलावा दोनों रिट्रैक्टेबल मिरर्स जो हैं वो हमारे अपने आप ऑटो फोल्ड हो रहे हैं जिस स्पीड से होने चाहिए। चारों पावर विंडोज जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में हैं, पीछे के जो कर्टेंस हैं वो भी प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में हैं। और अब हम आ जाते हैं एक बार इसका मोड में कि हम इस पर जो है एक बार रेडियो FM प्ले करके देख लेते हैं कि रेडियो FM हमारा प्रॉपरली प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। होम तो सर म्यूजिक सिस्टम भी आपके लिए चेक कर लिया, म्यूजिक सिस्टम भी ओके है। मेरिडियन का सराउंड सिस्टम है जो कि बहुत ही पावरफुल है, कुशनिंग वुशनिंग एवरीथिंग इज ओके। और 36.5 लाख रुपीज में आप गाड़ी ले जाओ सर, जितनी बताइए आपको सर्विस रिकॉर्ड्स के साथ चलिए। अगर आपको चाहिए तो मैं RC भी शेयर कर दूंगा, आप सर्विस हिस्ट्री इसकी चेक करें, उसके बाद आप मुझे बुकिंग अमाउंट और टोकन अमाउंट सेंड करें टू होल्ड दिस कार। और 36.5 में ये लास्ट आपको मैं गाड़ी
दे दूंगा। और अगर आप चाहें तो मेरा इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं, वसीम खान 1107 करके इंस्टा पेज है मेरा, जिसपे मैं शॉर्ट रील्स डालता हूँ फॉर क्विक वीडियोज, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये गाड़ी अवेलेबल है या नहीं ये जानने के लिए बेस्ट वे है कि डिस्क्रिप्शन में जो कैटलॉग है आप उसे कैटलॉग को प्लीज व्यू करें, उसे आप प्रेस करते ही आपके सामने कैटलॉग पॉपअप हो जाएगा, हर गाड़ी के 10 फोटो, डिटेल, आस्किंग प्राइस, वीडियो लिंक सब कुछ होता है उसमें। आप आराम से वीडियो देखें और आपको जो गाड़ी पसंद है आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप करें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे।